प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है आज की कड़ी में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की तवांग की घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पहले अरुणाचल प्रदेश के दौरे की नेपाल में बदले राजनीतिक घटनाक्रमों की और साल 2023 में भारत के समक्ष खड़ी रक्षा सुरक्षा चुनौतियों की हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा की तरह कार्यक्रम में उपस्थित हैं ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त श्री डी एस त्रिपाठी जी सर आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर माना जा रहा था कि सर्दियां शुरू होने के साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध कमजोर पड़ सकता है लेकिन ऐसा लगता है कि सर्दी में ही दोनों को ज़्यादा जोश आ गया है यूक्रेन ने अमेरिकी हिमार्स रॉकेटों के जरिए तिरसठ रूसी सैनिकों को एक झटके में मार गिराने का दावा किया है जिसके बाद रूस में युद्ध के खिलाफ माहौल दिखाई दे रहा है इसी बीच रूस ने भी जवाबी हमला करते हुए यूक्रेन के 50 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है आपको क्या लगता है किस दिशा में जा रहा है यह युद्ध मेरे जी देखिए पहले भी हम लोगों ने एक बार बात किया था जी। और इसमें बहुत क्लियर है कि सिचुएशन ऐसी आ गई अभी से नहीं कुछ जी। महीनों से जी। कि ना इसमें यूक्रेन पीछे हट सकता है और ना रशिया पीछे हट सकता है जी। जहां तक यूरोपियन नाटो या अमेरिका का सवाल है वो जब तक पीछे बैठे रहेंगे तब तक ये युद्ध खत्म होने वाला नहीं है जी। आप देखिए जो अभी हम निकोविका की बात कर रहे हैं जहां पर कि ये रशियन रूस के जो सैनिक मारे गए हैं वहां अगर देखिए तो ये बेसिकली एक तो स्कूल बिल्डिंग थी जी जिसके अंदर इन्होंने टेम्प्रेरी हाउस किया था अपने सैनिकों को वहां पर जा करके जी। और उसी में उन्होंने अपना एम्यशन वगैरह भी रखा हुआ था और जो अभी न्यूज़ रशिया ने खुद बताया है कि चूंकि सैनिकों की गलती थी उन्होंने अपने मोबाइल फोन यूज इस्तेमाल किए जो पकड़े गए और यहाँ पर हिमाच रॉकेट्स जो है यूक्रेन ने दागे वहां पर और इतना बड़ा नुकसान हुआ जी। जिसमें आज की डेट में उन्होंने बोला है कि 89 जी। पहले 63 कैजुअलिटीज बोली थी रशिया ने जी। अब उन्होंने 89 जी। बोला है जी। और यूक्रेन ने तो बोला है कि चार के आसपास पास है जी। लेकिन जो भी है नुकसान तो हुआ ही है इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और ये भी है कि नुकसान में रूस तो चुप होकर के बैठेगा नहीं बिल्कुल उन्होंने अभी हमला किया है और करते रहेंगे जी। लेकिन अभी हो क्या आप देखिए सिर्फ रॉकेट या मिसाइल अटैक चल रहे हैं या ड्रोन अटैक चल रहे हैं जी बाकी कुछ कहीं कुछ नहीं चल रहा है जी इधर जो है रूस अगस्त सितंबर में जी खारकीव से लेकर के और बाकी इलाके से उसने पीछे हटना शुरू किया था अपनी डिफेंसिस लेने के लिए जी अगर आपको उस समय की सिचुएशन याद ही है जी और उस समय यूक्रेन आगे बढ़ा था उन्होंने वकेत किए हुए जगहों पर ये पहुंचे थे लेकिन उसके बाद आप अगर सितंबर से लेने ले ले, से दो तीन महीने तक कोई खास प्रोग्रेस कहीं नहीं हुआ जी ये न्यूज जरूर आई है इनफैक्ट इवन एम आई सिक्सटीन यहाँ इंग्लैंड की uh, खुफिया एजेंसी का जो बयान है उनका कहना है कि रूस कुछ ही समय में बड़ा हमला कर सकता है जी तो उनकी न्यूज है अब वो दे रहे होंगे हालांकि मैं भी यही समझता हूं कि रूस चुप तो बैठेगा नहीं रूस ने जो पहले गलती की थी कि अपने डिफेंस नहीं लिए थे ओपन इलाके में तो अपने डिफेंसेज ले अपने लेकर के मजबूत करके और वो पीछे हटना नहीं चाहेगा जी बदलाव सिर्फ ये आया है कि पुतिन ने भी बोला है कि हम जो है बातचीत करने को तैयार हैं उसके साथ ही हो सकता है जी इधर इन्होंने भी यही बोला है जलंसकी ने जब अमेरिका गए थे वहां भी उन्होंने बोला और वहां पर बिदन ने प्रेसिडेंट ने बताया कि जो भी वो करना चाहते हैं जिस तरह वो बात करना चाहते हैं उनके ऊपर है जी उन्होंने अपनी बैकिंग नहीं दी कि हाँ हम इस तरह करेंगे कराएंगे जी और अल्टीमेटली उसके बाद जेल्स की इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के से भी उन्होंने बात की बात करी और वो चाहते हैं कि मीडिएट मीडिएट करें जी तो मतलब अगर एक तरफ से देखा जाए तो पीछे से तो दोनों चाहते हैं जी एंड हो क्योंकि एक साल तकरीबन होने आने वाले बिल्कुल और एक चल रहा है नुकसान तो ना अमेरिका का है ना नाटो का है इकोनॉमिक छोड़ कर जी नुकसान तो इन दोनों का छोड़कर रोज अगर सैनिक मारे जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है यूक्रेन में जी आप जानते ही कि मतलब कितना भी करें अभी तेरह फरवरी को आई थिंक मीटिंग है यूरोपियन यूनियन की और तेरह जनवरी को यूरोपियन यूनियन की और यूक्रेन की जिसमें उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद वगैरह और बाकी मिलिट्री मदद की बात की जाए सर्दियों में बर्फबारी में बाहर बेघर पड़े हुए हुआ आप देखिए हर जगह वही हाल है आप वो तो छोड़िए आप नाटो में देखिए आप इटली में 64 सिक्सटी फोर परसेंट एक्स्ट्रा बिल देना पड़ रहा है लोगों को एनर्जी के लिए जी सबसे बड़ी मुश्किल तो ये पड़ी हुई है जी और वहां घर हैं नहीं यूक्रेन में जी मेक शिफ्ट टेंट में लोग हैं नहीं मतलब कहने का कि एक करोड़ से ज्यादा लोग तो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं बिकॉज उनके पास जगह ही नहीं है जी। एक करोड़ के आसपास ही तकरीबन लाख तो यूएनओ ने भी बोला था जी। कि उनके बाहर चले गए हैं जो शरार्थी बने हुए हैं रिफ्यूजी बने हुए हैं बट ग्राउंड पर तो एक करोड़ के आसपास है जी, तो चार करोड़ में से आधे लोग तो इनका यही हाल है तो यूक्रेन को मिल क्या रहा है जी हालांकि जो बातचीत इन्होंने बोला है यूक्रेन ने कहा है कि नहीं हम बातचीत तभी करेंगे जब हम क्रीमिया तक लेकर रहेंगे जी और कल का देखिए जब लारो ने जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने परसों बोला था कि यूक्रेन जो है डी मिलिटराइजेशन के लिए राजी हो जाए डी नजिफिकेशन के लिए राजी हो जाए अगर नहीं करेगा तो हमारी फौज करेगी जी और अभी उनके जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के एडवाइज़र हैं उनका उसके बाद का ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने ये ये कहा है कि इसकी बात तो ये कुछ सोचे ही नहीं हम तो डी करेंगे जी और आखिरी तक आ, करके ही दम लेंगे तो ऐसी चीज़ें अगर आएंगी तो ये इन चीज़ों से बातचीत का माहौल अच्छा नहीं होता है जी बिल्कुल और दूसरा जहाँ तक आ, आ, आर्थिक स्थिति है इकोनॉमिक वॉर मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ मिलिट्री वॉर नहीं चल रही है जी। अब इतने दिनों के बाद इकोनॉमिक वॉर पर भी आ गई तो है।, तो है है तो तो सबकी चौपट हो रही यूक्रेन तो है ही है रशिया की भी हो रही है यूरोपियन यूनियन नाटो की भी हो रही है जी। अभी नाटो भी मीटिंग करने जा रहा है तेरह जनवरी को जहां वो डिस्कस करने जा रहा है कि जो इनका डिफेंस बजट है पहले इन्होंने कैप किया हुआ था एक परसेंट पर क्या दो परसेंट होना चाहिए उस पर कैप करें क्या करें जी तो आप सोचिए एक परसेंट और जी और बढ़ाएंगे जी तो नुकसान तो इनका ही है बिल्कुल तो ये चीज ये मीटिंग अभी इनकी होने जा रही है तेरह जनवरी को जी यूक्रेन तो खैर हम देख ही रहे हैं इनके पास सवाल है यूक्रेन का जो एड आ भी रहा है किस चीज पर आ रहा है जी ये सारा एड तो मिलिट्री एड आ रहा है जी बहुत कम ह्यूमिटेरियन एड आ रहा है जो कि पूरा नहीं पड़ रहा है जी और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जो डिस्ट्रॉय हो गया है उसका क्या करेंगे बिल्कुल रशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंटैक्ट है उसमें कुछ चीज़ें तो अपना और वो बना रहा है भले उसकी कमी है और आप जहाँ तक इन्होंने कैप लगाया ऑयल और बाकी चीज़ों पर उसका अगर इन्होंने साठ डॉलर किया तो मार्केट तो जनरल भी आ गया है सेवेंटी एट आज देखिए सेवनटी सेवन सेवेंटी एट डॉलर पर चल रहा है जी। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली दबा पाएंगे हाँ फर्क तो है जो जितने सैंक्शन लगे हैं उसका फर्क तो है रशिया के ऊपर जी हर एक चीज उसकी नहीं हो पा रही है लेकिन इसका इफेक्ट बाकियों पर भी है जी तो ये लड़ाई आ, मुझे लग रहा है जब तक नाटो अमेरिका और मे भी कुछ देश जैसे चीन है हिंदुस्तान है इंडिया है ऐसे देश कुछ मिल करके ईरान है अगर मिलकर के पहल पहल करेंगे जी। तब जाकर के कुछ बात बन सकती है जी। और सबसे बड़ी चीज है कि रशा तो चला गया युद्ध में उन्होंने पहले सोचा कि हम जल्दी अपना वो कर लेंगे जो नहीं हो पाया अब उन्होंने अपने आप को डाल दिया उसमें उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम वापस कैसे आए यूक्रेन अपना तो कुछ है ही नहीं उसको तो बैक करके डाला गया उसको समझ भी नहीं आ रहा है जी। कि हम लड़े मरें क्या करें कैसे चले जी और अमेरिका जिसने बैक किया या नाटो ने जिन्होंने बैक किया उनको भी स्टेज पर नहीं है कि हम वापस करें जी। तो ये तो जो ये लड़ाई बन गई है एक तरह से दो महाशक्तियों की कहें या दो गुटों की कहें जी वो जो है ऐसे मोड़ पर है कि जब तीसरा या चौथा कोई आएगा बीच में तभी जा करके इसमें कुछ हमें रास्ता दिखाई पड़ेगा और वही रास्ता ले जाएंगे तभी बात हो पाएगी जी बिल्कुल बिल्कुल और पूरी दुनिया चाहती है कि ये जो युद्ध का माहौल है ये खत्म हो क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई इससे प्रभावित तो हुआ ही है सर वैसे तो ये राजनीतिक सवाल है मगर रक्षा क्षेत्र से जुड़ा है इसलिए आपसे कर रहे हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चीन भारत के साथ उसी सिद्धांत पर अमल कर रहा है जो रूस ने यूक्रेन के साथ अपनाया है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सिद्धांत तो अगर देखा जाए तो थोड़ा अलग है क्योंकि रूस ने तो सीधा बोला था कि ये नाटो के मेंबर नहीं होंगे जैसे अभी बोला मैंने डीमिलिटराइजेशन आप मिलिट्री मत बढ़ाइए अपनी डी कीजिए जो चीजें आप नाटो और बाकी लोग कह रहे हैं करने के लिए वो नहीं कीजिए और ये नाटो के मेंबर नहीं बने तो वहां पर तो वो चीज थी और वहां पर उसने कहा कि अगर ये नहीं होगा तो हम आ, अपना से करेंगे उसने क्रीमिया ले लिया था ये बाद की घटना है जी। जहां तक चीन और आ, हिंदुस्तान का सवाल है ये घटनाएं तो पहले की हो चुकी हैं उन्नीस सौ से उन्नीस सौ में से ले रहा हूं कि पाकिस्तान ने जो लिया था और जो उन्होंने दे दिया चीन को जी उन्नीस की हमें सब पता है इसलिए उस पर हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ था जी आ, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि अगर आप याद करें तो नेहरू ने तो उसमें उस टाइम ये भी बोल दिया था कि माय हार्ट ब्लीड्स फॉर द पीपल ऑफ़ नॉर्थ ईस्ट जी कि आ, वो चले जा रहे हैं या वो कैप्चर हो रहे हैं तो बट मैं उस पर ये नहीं करेंगे उसके बाद बाद के जितने भी घटनाक्रम हैं अगर देखा जाए तो उस स्टेज के नहीं हुए जी लेकिन हमेशा हम कहते हैं हर एक लड़ाई से एक हमें कोई शिक्षा लेनी चाहिए उस लेस लर्न उसके ऊपर अमल करनी चाहिए लेकिन ये एंडरसन रिपोर्ट ही हम जो इतने साल के बाद अभी पिछले साल उसमें आई है सबके नॉलेज में जी उससे पहले कितने साल से कहा जा रहा था ये रिपोर्ट बाहर नहीं आ रही थी क्या एक्शन लिया गया बट उसमें नहीं जाऊँगा आप सोचिए कि सिर्फ एक चीज़ अगर लिया जाए जो हमारी पहली पीस एंड ट्रांकुलिटी वाली ट्रीटी हुई थी उन्नीस में अगर देखा जाए तो मैं जस्ट एक दो <coughs> पॉइंट्स उसके थोड़े से आ, बताना चाहूंगा जिससे इसी से, से, से कंसर्न है कि उसमें उसमें एक था देखिए बड़ा था कि पीस और ये बाउंड्री शैल बी रिजॉल्व थ्रू पीसफुल एंड फ्रेंडली डिस्कशन कंसल्टे मतलब बड़ा क्लियर था कि फ्रेंडली कंसल्टेशन कीजिए दूसरा था कि नाइदर साइड विल uh, यूज फोर्स और थ्रेटन टू यूज फोर्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यूज़ फोर्स और नॉट थ्रेटन टू यूज फोर्स जी उसके बाद था कि जो रिस्पेक्ट uh, एलेसी जी ये बड़ा उसमें दिया था कि रिस्पेक्ट एलेसी और पुल बैक ट्रुप्स वन कौशन की अगर आप एक दूसरे के अंदर जाते हैं और आपको जो अगर कौशन किया जाता है तो आप ट्रिप्स को पुल बैक करेंगे जी। उसमें था किप मिनिमम फोर्स लॉन्ग द एलेसी मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर बेसिकली कहें तो पुलिसिंग पर्पजेज से हो और ये भी बता दूं मैं इसके साथ कि पहले इनके आ, हमारी नेचुरली आईटीबीपी एक पुलिस फोर्स है अंडर होम मिनिस्ट्री वो रहती है और उनकी रहती थी बीडीयू बॉर्डर बॉर्डर डिफेंस यूनिट्स चाइना की जो उन्होंने अभी आ, पिछले साल से उन्होंने भी बदल दी उन्होंने अपने रेगुलर ट्रुप्स कर दिए तो पहले ये था इसमें उसके बाद इसमें यह भी था कि Not to to undertake military exercises in specified zones and give uh, intimation to each other पिछली बार अगर देखा जाए तो uh, intimation देते हैं लेकिन पिछली बार चीन ने क्या किया था एक्साइज की थी और वहीं रुके रह गए थे जी वापस नहीं गए थे जब उनको जाना चाहिए था जी एक्चुअली हमारे कान तभी खड़े होने चाहिए थे कि ये कुछ करने वाले हैं तो ये चीज थी जो चीन करता रहा है टेक adequate मेजर्स अगेंस्ट एयर intrusions इन, जी जो कि पहले से इसमें है लेकिन एयर वायलेशन आपको पता है लगातार होते रहे चीन करता रहा है हम कम उस पर रहे हैं ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप फॉर सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस, और ये चीजें 1993 में जब हुआ तो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स थे उसमें भाटिया मिस्टर भाटिया हुआ करते थे जी। उन्होंने किया था और इनके वाइस फॉरेन मिनिस्टर चीन ने इनका सिग्नेचर है इसके ऊपर और उसके बाद आप सोचिए कि आ, कितना आ, इसमें हमने तो अपनी तरफ से फॉलो किया जिस तरह उसमें था जी लेकिन चीन ने फॉलो नहीं किया जी तो अगर हम ये देखें तो हम ये नहीं कर सकती वही चीज है जो राहुल गांधी कह रहे हैं हाँ अगर दूसरे परपेक्ष में ले कि हाँ हमने वो चीज नहीं की जी जो हमें करना चाहिए था जी तो ये मैं जरूर सहमत हूँ उनसे जी कि हम थोड़ा पीछे रहे जी पीछे हटते रहे जी हम चीन से जिस तरह अभी हम टकराए वो हमने नहीं किया हमने दिखाया कि हम आपको रोक सकते हैं या ये नहीं होने देंगे जी वो आते थे हम उनको देखते रहते थे कि वो कहाँ तक आ रहे हैं फिर उनको जाने देते थे जी वो हथियार लाते भी थे फिर भी हम वो नहीं करते मतलब मैं बताऊँ आपको उन्नीस सौ इक्यानवे में मुझे याद है मैं हालांकि सिक्किम सेक्टर में था जी उस समय ऐसे ही हुआ था हमें मैसेज मिला कि उनका पेट्रोलिंग आ रही है हम भी गए जी मिले भी लेकिन वो आए वहाँ से उन्होंने चार सौ मीटर पीछे अपने जो मशीन गन्स थी डिप्लॉय किया जी आए हमारे पास जी बिना थे आए जी और उनके पास पॉलिटिकल कमिश्नर होता है उसी से बातचीत हुई जी बाकी तो जितने उनके वो थे उनको हिंदी आती नहीं थी बट इनके साथ हमेशा होता है और हिंदी में बहुत क्वालिफाइड था जी तो ये ये चीज होती रही बट हम कुछ एक्शन नहीं लेते थे जी इन चीजों पर जी और उसके बाद देखिए आगे अगर देखा जाए तो किया क्या चीन ने यूनिटरली उसने एल फिर बदलता रहा और एलएसी एक चीज है आपको पता ही है कि मैकमोहन लाइन और मैकमोहन लाइन किस समय हुई थी ब्रिटिशर्स ने तिब्बत के साथ किया था 1914 में और इमेजरी लाइन कोई मतलब ग्राउंड फिक्स नहीं है और ये लेके हम चलते रहे कि मैकमोहन लाइन हमारी बाउंड्री है हालांकि तिब्बत के साथ थी आ, इनकी ब्रिटिशर्स की उन्नीस की जी। और जो उसके बाद मतलब इस लाइन पर हमने कोई गौर नहीं किया, नहीं किया कि जब उसके बाद भी आगे आएंगे जब तो हमने तब भी नहीं किया कि ये चीज़ें आ, कहीं तो कुछ हम पिरर लगाते कहीं कुछ कहते कि हाँ ये डिमार्केशन है और जब भी कोशिश हुई कि मैप इसका बनाया जाए जी ये मैप एक चाइना को दिया भी गया लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया वो माने ही नहीं जी कि हम मानते ही नहीं है इसको उसके साथ अगर आप देखें तो जो क्लैशेज हुए हैं वो बाकी चीज़ हुई हैं इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी देखिए हमारा तीन हजार चार सौ अड़तालीस किलोमीटर का बॉर्डर है पांच स्टेट के साथ है जे एन के में देखा जाए तो करीब सोलह सौ किलोमीटर है आ, ये अरुणाचल देखें आप तो करीब साढ़े ग्यारह सौ किलोमीटर है और बातियों के साथ दो सौ तीन सौ ऐसे करके है तो एक जगह तो हमारा है नहीं कि हम कहेंगे सिर्फ वहीं है जी चीन डोकलम में एक डोकलम भूटान के ऊपर इतना प्रेशर डालता रहा है जी कि डोकलम सेटल करें डोकलम हम कहते हैं कि नहीं हो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डोकलम को प्रोटेक्ट करना जी तो ये एक्शंस हमने बाद में लिए लेकिन अगर हम पहले करते हुए दिखा करके जी कि नहीं ये तो हमारा है जी तो शायद शायद मैं नहीं कहता कि आ, होता ही शायद चीन थोड़ा सा इतनी हिमाकत नहीं करता, नहीं करता जो जी। उसने किया जी लेकिन जी एक और सोचिए कि हम क्या सक्षम थे जी वो भी एक बड़ी बात क्या हम सक्षम थे ये आंख दिखाने के लिए जी उस समय जी मैं ओपन हाउस छोड़ता हूं क्योंकि ये हमें सबको पता कि क्या कंडीशन हमारी थी रोड्स कंडीशन आने जाने की uh, सिर्फ एक चीज़ बताऊँ मैं मुझे याद है कि अगर आप नब्बे के दशक की बात करें तो उस समय uh, जो नॉर्मल हम लेते थे कि चीन मोबलाइज करेगा दो से तीन महीने दो महीने कुछ सेक्टर्स में और कुछ सेक्टर्स में कहते कि तीन महीने इतना लेगा तब जाकर हमारे ऊपर वो बिल्डअप कर पाएगा फोर्स अटैक करने के लिए जी लेकिन धीरे धीरे उसने ऐसी बढ़ा ली अपनी शक्ति वो तो कुछ हफ्ते हो गए अब जी हफ्ते दो हफ्ते में मोबिलाइज कर सकता है जिस तरह उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है जी आ, बाकी चीज़ें बढ़ाई हैं जी तो ये देखते हुए हाँ ये जरूर है कि आंख तो दिखाया उसने जी आप देख रहे हैं अगर आप एक समरी भी लीजिए लेकिन बिफोर इससे पहले कि हम थोड़ा सा देखें आप 2003 में एक और हुआ था एम हुआ था चाइना के साथ जी जिसमें हमने वो किया था कि तिब्बत चाइना का पार्ट है और उसने बोला था कि सिक्किम हिंदुस्तान का पार्ट है बट उस समय भी हमने बाउंड्री <coughs> डिफाइन नहीं की क्योंकि अभी भी तिब्बत और जो हमारा सिक्किम के बीच है वहां एल ही चल रही है जी। जब हमने किया तो हमें बाउंड्री डिफाइन करना चाहिए था जी। कि एक क्लियर कट बाउंड्री है आपको हम आप ये डिफाइन की आपने सिक्किम को डिफाइन किया बाउंड्री है वहां है लेकिन उस समय में नहीं हुआ और <coughs> हमने जो है अभी बहुत कम इनफैक्ट सेवेंटी वन के बाद जब लगा कि भाई जोर थोड़ा देना चाहिए तब हमने आ, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप शुरू किया था उस इलाके में तभी डर के जी आ, पूरी उसके साथ नहीं किया था कि हमने क्या करना है जी, इसके बाद एक बॉर्डर डिफेंस एग्रीमेंट भी हुआ था दो हजार तेरह में जी चीन के साथ इस बॉर्डर डिफेंस एग्रीमेंट में बेसिकली जो चीजें कवर की गई थी उसमें था कि नो बडी नो साइड कैन चेंज स्टेटस को जी ग्रे जोन ग्रे जोन कोई एंटर नहीं करेगा ग्रे जोन बेसिकली वो एरिया है जिसमें आगे तक हम सोचते हैं कि हमारा है और इधर चीन सोचता है तो जो बीच का एरिया है उसमें कोई आ, क्योंकि डिस्प्यूटेड है इसलिए कोई कोई एक्शन नहीं करेगा ना कुछ रह करे आएगा जाएगा न वहाँ रात को रुकेगा आ जा सकते हैं बट रात को रुकेगा नहीं जी लेकिन चीन ने उसमें भी आ, आते थे वहाँ रुकते थे नहीं उन्होंने जी और उस पर हमने बस बोलते थे हमने कुछ किया नहीं जी फिर बीच में उन्होंने बॉर्डर डिफेंस यूनिट्स को अपने रिप्लेस कर दिया रेगुलर ट्रुप्स के साथ जी वो भी हमारे कान खड़ा करने की चीज़ थी जी तो ये जो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसने कि ये आ, हम शायद उस तरह नहीं खड़े हुए सीनातान के अपना कि नहीं जी हम हम भी जो कह रहे हैं वो सही है हम भी हमारी जो एल एसी की जो आप कहते हैं कि आपका व्यू जो हमारा व्यू वही है जी हम ये नहीं कहेंगे कि डिस्प्यूटेड है दिस्पुटेड़। जी। तो वो चीज शायद कुछ हद हाँ तक वो नहीं हुई जी और इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि सिमिलर सिचुएशन है रशा और उनकी जी वो नहीं है जी ये जो सिचुएशन है हमारी ये अब ऐसी आ गई है कि या तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एल जो कि हम एक्सेप्ट कर नहीं सकते पार्लियामेंट तो हम कह चुके हैं कि हमारा तो जहां तक कह रहे हैं वहां तक है बिल्कुल चीन भी यही कह रहा है जी तो ये ये कि कम से कम जहां तक जो है वहां से एक इंच आगे पीछे नहीं जाए जी और जैसा आपने कहा वही बार बार, बार बात को विदेश मंत्री एस जयशंकर भी दोहरा रहे हैं अभी ऑस्ट्रिया थे इससे पहले साइप्रस थे उन्होंने बार बार यही कहा कि जो भी वहां पर तनावपूर्ण संबंध हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि चीन बार बार जो पूर्व के जो भी एग्रीमेंट है उनको तोड़ता है उनका जो हमारे समझौते थे उनका पालन नहीं करता बिल्कुल आप देखिए मैं पीछे थोड़ा जाऊंगा लेकिन बाद में पहले 2019 में एक आ, मीटिंग हुई थी आ, इस, अपने हमारे आ, वो थे इनकी जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के NSA. वो थे आ, वो थे इस, आ, इसको ट्वेंटी सेकेंड राउंड बोल रहे तो ट्वेंटी सेकेंड राउंड ऑफ पीस एंड ट्रैक्यूलिटी वाली जो मीटिंग थी जिसमें एन अपने गए थे वहाँ और उनके उनका भी स्टाफ था चाइना का इनफैक्ट चाइनीज स्पेशल काउंसलर थे तो हमारे अजीत डोवल थे और ये थे और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि हम इंटेंसिफाई करेंगे अपने एफर्ट्स और बढ़ाएंगे जी। कि ये रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जो हमारी चल रही थी बाईस राउंड हो चुके हैं जी। ये मैकेनिज्म कैसे बढ़ाया जाए कि रिजॉल्व हो दो में लेकिन आप देखिए दो हजार बीस में क्या हुआ इनफैक्ट दो से अगर आप देखें आप पीछे जाएंगे तो ये होता रहा है क्योंकि आ, इंडिया ने तो क्लेम किया अक्साई चीन में हमारा अड़तीस हजार किलोमीटर लेके बैठा हुआ है चीन और एक्चुअली लेके बैठा है चीन कहता है कि अरुणाचल जो है तिब्बत का हिस्सा रहा है और नब्बे हजार किलोमीटर कहता है कि नहीं ये तो उनका हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश जब से हमने बना, बनाया तब तक वो मानता नहीं है और यही नहीं दो में जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे चीन में उस समय उन्होंने चीन का चीन के जो इवन न्यू चैनल्स थे उन्होंने अरुणाचल को अपना हिस्सा दिखाया था जी ये चीज अगर आपकी याद हो न्यूज़ में उसमें आई भी थी जी, तो ऐसी हरकतें वो करता रहा है लेकिन उसका हमें जवाब जो है कोई खास नहीं दिया हाँ अभी जरूर आई थिंक 2019 या 20 से हुआ है जबकि हमारे मेट फोरकास्ट जो हमारा है उसने पीओ को पीओके और अक्साई चीन और पूरा इलाके को काफी मेट थे आ, दिखाना शुरू किया और मेट डेटा देना शुरू किया है एक ये चीज हुई है उससे ज्यादा हम शायद कुछ नहीं किए हैं तो ये जो चीज है आपको 2013 में आपको पता है डेपसोंग का हुआ था जी 2017 में चूमर और ये डोकलम का हुआ तो था जी, दो हजार और 21 और 22 तो हमारे सामने है तो ये चीजें ऐसी है इसको देख करके हमको बहुत कुछ अभी करना है जी क्योंकि ठीक है हमने उनको रोक दिया हमने अपना दम दिखा दिया लेकिन इसके बावजूद अगर चीन पीछे नहीं हट रहा है क्योंकि चीन का अभी आ, एक मैं इनके आ, मुझे नाम इनके याद नहीं आ रहा है जो कि 2013 तेरह से लेके उसके बाद तक जो मैं अभी बात कर रहा था कि ये बॉर्डर डिफेंस मेकेनिज़म या इसका जो जितने बॉर्डर टॉक्स हुई हैं बाईसवें राउंड तक वो मेरे ख्याल से 12 साल 11 12 साल तक रहे हैं उसमें उन टॉक्स में उसके मेंबर रहे हैं और हमारी जो बात होती थी हिंदुस्तान और चीन की उसमें आते रहे हैं। उन्होंने बोला है बड़ा क्लियरली कि इस पर तो चीन इस पर अरुणाचल पर कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकती जी दैट मीन्स जो आदमी दस ग्यारह साल ये मेकेनिज़्म पर लगा रहा है कि इसको रिजॉल्व किया जाए वही अगर ये कह रहा है तो मैंटेलिटी चीन में तो वही होगी जी तो अगर वो है तो उसको लेकर के आगे हम कैसे चल सकते हैं जी। तो हमको तो अपने आप को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि जरूरत न पड़े उनकी एक चीज मैं जरूर कहूंगा आप देखिए जो भी क्लैश हुए उन्नीस बीस इक्कीस में इन्होंने चाहे हमने अपने हथियार ने इस्तेमाल किए लेकिन पिछली बार आपको पता ही है पिछले साल इन्होंने कहा कि वो बनाए हुए हथियार लेके आए देखा जाए तो प्रिमेटिव या जो भी हम कहें उस पर रॉड पर या वो वायर बांध किया जो भी करके आए तो इंटेंशन क्या थी इंटेंशन तो यही थी लड़ाई की ही लड़ाई की थी जी भले वो हथियार कुछ और हो तो इंटेंशन देखना ज्यादा जरूरी है और शुरू से अगर देखा जाए जो मैंने 2013 से बताया लेकिन अभी तक जी। चीन का इंटेंशन नहीं है कि वो बातचीत से समस्याएं सुलझाए अभी भी देखिए जो मीटिंग लास्ट हुई सत्रह अठारहवा राउंड जो कोर कमांडर्स की हुई थी उसमें भी कोई चीज खास नहीं, नहीं आई क्योंकि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है जी जो प्री ट्वेंटी वाली जो वो है वो मानने को तैयार नहीं है वापस जाने को तैयार नहीं है तो ऐसी चीज़ अगर रहेगी तो बात कैसे आगे बढ़ पाएगी तो हमारी जो सिचुएशन है वो काफी अलग है लेकिन उस बात से मैं जरूर एग्री अगर आप उनकी बात लेते हैं राहुल गांधी की कि हाँ हमने सीना जो दिखाना चाहिए था नहीं दिखाया लेकिन अब शुरू कर दिया अब शुरू कर दिया है और सवाल भी उठाया आपने कि क्या पहले हमारे पास उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति भी थी और क्या आ, हमारे पास संसाधन भी बिल्कुल, थे बिल्कुल राजनीतिक राजनीतिक और और मैं कहूंगा कूटनीतिक कुड़िति, मिलिट्री भी भी जी कि क्या वो भी हमारे पास बाकी तो इच्छा शक्ति होती है मिलिट्री के तो संसाधन होने चाहिए होने तभी तो आप इच्छा शक्ति ला सकते हैं बिल्कुल बाकी जब आप इच्छा शक्ति लेके चल सकते हैं जी, जी। लेकिन इसमें तो संसाधन के बाद ही आप इच्छा शक्ति अपनी लेके चल सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है और सर तवांग में चीनी घुसपैठ की कोशिश को विफल किए जाने की घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया इस दौरान उन्होंने सैन्य तैयारियों और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख अरुणाचल प्रदेश सिक्किम और जम्मू कश्मीर के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलों और सड़कों समेत 28 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को देश को समर्पित किया सरकार के इन प्रयासों को कैसे देखते हैं आप आपने अभी संसाधनों की बात करी थी और ये भी जो बुनियादी ढांचे हैं ये भी संसाधन ही हैं नीरज जी अगर आप देखें पिछले दो तीन सालों में जी, दो साल दो ही साल लीजिए ज्यादा नहीं उससे पहले से हालांकि काम हो गया था प्लानिंग हो गई थी बट जितना काम हुआ है काफी कुछ हुआ है जी, काफी काम हुआ है काफी तेजी के साथ हुआ है जी, और बहुत कम समय में हुआ है जी, इन जी, जिन प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं ये 28 प्रोजेक्ट जो हैं इसमें से 22 तो तकरीबन रोड्स ब्रिजेज हैं जी और इसमें चार से पांच जो रोड्स है दो तीन जो है जो आपने बताया अभी आ, जो बाकी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं जी और यहाँ तक हुआ है कि जो हमारा आखिरी गांव है होरा नाम है जो उधर एल के पास उसको हमने मेन लैंड से भी जोड़ा है जी जो पहले हुआ ही नहीं था जी तो मतलब वहाँ तक हम सीओम रिवर पे है बिल्कुल बिल्कुल वहां तक हम पहुंच गए हैं जी और हमने यहाँ तक टाइप हुआ है आई के साथ की जो टेली मेडिसिन के मामले में जी कि हम जो है इंडियन इसरो इस से भी हुआ है जी कि हम आ, टेली मेडिसिन टेली मेडिसिन से अपने डॉक्टर्स के और बाकी जितने भी स्पेशलिस्ट्स हैं उनको वन टू वन करा सकें जो वहाँ पर हमारे लोग रह रहे हैं हमारे फौज है हमारी आ, बाकी जितने भी लोग हैं जी उनकी उनको इलाज सुलभ हो सके तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है जो हुई हैं और इनका जाना सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने इनोग्रेट किया वहां पर और भी तिहत्तर प्रोजेक्ट्स तकरीबन और हैं जो कि चल रहे हैं जिनको ये देख करके आए हैं जी। और कोई भी जब प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री वहाँ जाते हैं तो पहली बार कि जब कंप्लीशन होता है और जाने लायक होता है तभी तो जाते हैं बिल्कुल ये गए हैं रिकॉर्ड टाइम में पहले ही कई प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं शायद लेट होते तो शायद ये नहीं गए होते जी, जी और ये भी देख करके कि लोगों का मनोबल बढ़ता है कि रक्षा मंत्री आ रहा है हमें कह रहा है कि उन्होंने ये भी बोला कि बिहार तो बिग ब्रदर है हिंदुस्तान में जी। जो इतना बड़ा काम कर रहा है बिल्कुल, और फैक्ट भी, भी, है, है। फैक भी है तो ये ये जो चीजें हो रही हैं बहुत ही आ, बड़ी लेवल की हो रही हैं और मैं आपको थोड़ा सा वो अगर इसका दूं इसमें कि जो इन्होंने किया अभी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में आठ लद्दाख चार जे एन के पांच अरुणाचल तीन सिक्किम पंजाब उत्तरांचल और इवन दो राजस्थान के बॉर्डर्स की भी हैं जी तो ये सब जो चीज़ें हैं ये तो मतलब इंक्लूडिंग आप सोचिए स्कूल हेल्थ केयर सेंटर्स आ, कितनी चीजें इसमें शामिल हैं।, शामिल हैं जी तो ये चीजें इससे फर्क हमें बहुत पड़ेगा इससे पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता ही है जो हमने जो अभी ब्रिज बना है और जो बाकी ब्रिज जो रोड्स हमने वहाँ बना रखे हैं और जो बन रही हैं तो ये उनके बनने से साथ उनके बनने के साथ प्लस टनल्स बन रही है जी तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हमें आ, जो हम कह रहे थे हमारा भी बिल्डअप और इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के साथ ये हो जाएगा कि हम बहुत कम समय में वहां जो है आ, पहुंच पाए और चाइना को बिल्कुल मतलब आ, मैच क्या करना हो सकता है हम उनसे आगे ही हो जाए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में जी जैसा आप अभी जिक्र कर रहे थे कि पहले वो दो तीन महीने हम आकलन करते हैं कि दो तीन महीने में आएंगे बिल्कुल दो तीन हफ्ते हो गया तो हम भी वही दो तीन हफ्ते वाली की तैयारी कर रहे हैं आप देखिए अगर आप देख वो इसमें वो करें आ जो हमने वो बनाई दरबुक डी वाली जी सड़क जो इंफ्रास्ट्रक्चर 255 किलोमीटर का जो जिसमें कि तकरीबन अभी 40 परसेंट या पचास परसेंट लग तकरीबन कंप्लीट हो चुका है बाकी रह गया है और इसमें जो है आ टोटल दो किलोमीटर रोड्स पाँच साल में उस इलाके में बनी है अब आप सोच लीजिए इस इलाके में इतना बर्फीला इतना जहाँ संसाधन नहीं है बाकी नहीं है ये चीजें ये चीजें बन गई तो आप आ, आ, कितना फर्क पड़ेगा ये सोचिए हालांकि अभी भी मैं बताऊँ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमारे ट्रिप्स को आने जाने में सामान ले आने ले जाने में पाँच से छः दिन सात दिन कहीं तो अभी भी दस ग्यारह दिन बारह दिन लग जाते हैं जी हाँ जी लेकिन जब ये हो जाएगा तो बहुत फर्क पड़ेगा हमने हेलीपैड्स इतने बन गए हैं अभी दुनिया का सबसे हाईएस्ट हमने एयरफील्ड बना रखा है जहां आपने देखा ट्रायल्स हो करके सबसे बड़ा जो हमारे पास यू वन थर्टी एयरक्राफ्ट है वो भी लैंड किया हुआ है तो ये सारी चीजें इस दिशा में ही जा रही हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को हम काफी डेवलप कर रहे हैं और उससे एक एक जो हम कह रहे हैं सिना दिखाने वाली बात आई थिंक वो अब काफी अच्छा उ, हो जाए काफी आगे बढ़ जाएगा और हम फुल बैकअप के साथ दिखा सकते हैं मैं आपको बताऊ ये भी इसमें जो मैं अभी हम डिब्यू रोड की बात कर रहे थे इसमें सतासी तिहत्तर पेरीफेरल रोड्स हैं जी एट्टी फाइव रोड्स मतलब उनके और कनेक्टिंग हैं बाकी जगहों से तो ये सब जनने के बाद आप सोचिए कि कितना फर्क पड़ जाएगा इसकी इन इलाकों में और अभी भी हमारा ये बनने के साथ ही ये हुआ है कि हमारी आरटी बिल्डअप वहाँ पर इतनी हो गई हम अपने आ, बोफोर्स वहाँ ले गए जेम ट्रिपल सेवन जो हमने अमेरिका से गन लिए वो भी वहाँ हमने डिप्लॉय की जी हमारी मिसाइल्स भी वहाँ रॉकेट्स वहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं जी तो ये सारी चीज़ें अगर हमें कर रहे हैं तो ये तो हमारा आ, सीना जो है चौड़ा करने वाली ही बात है कि मजबूती के साथ हम आ, उनको फेस कर पाएंगे बिल्कुल तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी बात है जो कि ये हुई है और रक्षा मंत्री का वहाँ जाना और जो टनल्स बन रही है आप देखिए सैला टनल आपको पता ही है। जी, बिल्कुल कितना उसे वाला है अटल और, और में, में, जी। टनल जी। जो बनी है ये जितनी चीजें बन रही है इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा कि हम अपने फोर्सेस को स्विच करना भी क्योंकि अगर बिल्कुल सबसे बड़ी बात है ऑल वेदर है और चाइना का सबसे बड़ा था जो उसने अपनी रोड बनाई थी जी नाइन्टी फाइव जो हाईवे उसकी बनाई थी उसका उसका फ़ायदा ही था कि एक वैली से दूसरे वैली में आराम से स्विच कर सकता था अपनी रोड uh, अपने ट्रुप्स को अपने uh, संसाधन को जो uh, तिब्बत में या इधर लाने में मेन लैंड में तो हमारा भी उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा जी कि डिपेंडिंग ऑन थ्रेट हम आसानी से अपने uh, ट्रुप्स या जो हमारे uh, वेपन्स हैं उनको हम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ले जा सकेंगे जो अभी पॉसिबल नहीं था जी, जी ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत कुछ हुआ इस मामले में आई एम वेरी श्योर कि जैसे आगे जो है उस हिसाब से प्लैंड चलता रहा और बिफोर टाइम अगर होता रहा तो, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम काफी मजबूत स्थिति में होंगे वहां पर जी आ, सर थोड़ा सा हम आ, अगर पड़ोस में नेपाल की तरफ देखें तो नेपाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव अभी हाल ही में हुआ और चीन समर्थक के पी शर्मा ओली के समर्थन से प्रचंड वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री बनते ही चीन की सहायता से बने पश्चिमी नेपाल के पर्यटन केंद्र पोखरा में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और चीनी सरकार से रेलवे सेवाओं और अन्य परियोजनाओं के निर्माण में सहायता करने का भी अनुरोध किया नेपाल के इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप और भारत को किन बातों का ध्यान रखे जाने की जरूरत है जी चीन तो आपको पता ही है कि पहले से ही भारत को चारों तरफ से घिरने की कोशिश कर रहा है जी नेपाल में उसने म्यांमार शुरू कर दिया था जी उसने नेपाल में भी ये प्रचंड को एक्चुअली देखा जाए कम्युनिस्ट पार्टी तो थी नहीं नेपाल में बट धीरे धीरे वो ले आए जी और उन्होंने काफ़ी मदद देना शुरू कर दिया था इनको दिया भी था जी और ये जिस हेलीपैड जिस आप इसकी बात कर रहे हैं पोखरा पोखरा में हवाई अड्डे की पिछली बार आपको पता है कि जब वो सबसे बड़ा हवाई अड्डा था और जब मोदी गए थे विजिट में पिछली सरकार में तो वहाँ नहीं उसके आगे जाके एक हेलीपैड में जरूर उतरे थे बट इस यहाँ पर कोई नहीं गया था लेकिन उन्होंने सबसे पहले उसको इनाग्रेट किया और उसी पर उसी की आ, अगर देखा जाए चीन के कहने पर ही इन्होंने जो ट्राई जंक्शन है हमारा नेपाल और चीन और जो जहां पर आपको पता ही है कि इन्होंने ही वो मुद्दा उठाया था कि हमारा आए भारत को वहां पर जी, भारत जी, के नक्शे गलत हैं और सारी चीजें ये करते रहे हैं तो ये चीन के बहस पर ही हुआ था ये जरूर आ, मैं ये कहूं तो हमारा कूटनीतिक का जो भी फेलियर कहें कि है बिकॉज कांग्रेस उन्होंने आ, सबसे ज्यादा सीटें लेकर के

क्यों नहीं हुआ कोर्स मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा होना चाहिए था जी लेकिन हमारे लिए एक खतरे की घंटी तो है कि दखल और बढ़ेगी जी चीन की वहां पर और जो प्रोजेक्ट्स बीच में रोक दिए गए थे और इंडिया के प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए थे वो चालू कर दिए गए थे जी तो उन पर भी असर पड़ेगा जी तो इसको हमें कूटनीतिक तरीकों से और देखा जाए तो नेपाल के साथ हमारा संबंध इतना मजबूत है मैं सरकार छोड़ दीजिए जो पॉपुलेशन पर है जनता का जनता के साथ हमारा इतना का रिश्ता कहा जाता है इतना रोटी बेटी का रिश्ता है, का है। जी, उसको हमें ज्यादा मजबूत उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो चीज चीन के साथ नहीं हो पाएगी चाहे कुछ भी हो जाए कितना पैसा वो दे देंगे वो चीज नहीं हो पाएगी तो हमें उस पर बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए कि हम इस रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाएं कि जनता ही खुद कहे जी कि ये सरकार जो है या चीन को हम नहीं लाना चाहते हम जो है भारत को लाना चाहते हैं जी। तो जी। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं बनेगा और जहां तक आपने बात की चीन का <coughs> आप देखिए म्यांमार में भूटान में डोकलम के लिए कितना प्रेशर डाल रहा है और अभी भी चीन चाहता है कि डोकलम को चीन जो है चीन की टर्म्स पर भूटान राजी हो म्यांमार में उसकी पहुंच हुई गई प्रोजेक्ट्स लेकर के उनके साथ मिलिट्री एक्साइजेज भी हो रही हैं वहाँ पर बांग्लादेश में काफ़ी कुछ वो देना चाहे लकली हमारी कूटनीतिक और आ, आ, मैं जनता वाली भी बात करूँगा कि जो जुड़ाव था उसकी वजह से उतना ज़्यादा नहीं हुआ जी कम रहा पाकिस्तान के साथ तो है ही है जी आ, तो अगर आप देखें तो चारों तरफ से चीन कोशिश तो पूरा कर रहा है जी लेकिन हमें इस पर चुप नहीं बैठना चाहिए हमें भी ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि खास करके हालांकि हम कर रहे हैं जैसे अगर आप देखिए कोविड के टाइम में प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी रहेगी हमारी जी, हमने जी, सबसे ज़्यादा जो कोविड के टीके थे नेबर्स को सबसे पहले दिए चाहे वो नेपाल था बांग्लादेश था पाकिस्तान भी था और बाकी जिन्होंने भी अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार वगैरह सबको ये दिया था और जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है चाहे नेपाल था मैक्सम सहायता हमने की नेपाल में जब वो आया था भूकंप आया था पाकिस्तान में आया वहाँ भी हमने मदद की पूरी कोशिश दी जितना उन्होंने लिया जी बांग्लादेश में किया ही तो हर जगह मतलब उस हिसाब से अगर आप देखिए तो मदद तो हम करते रहे हैं जी और इन सब देशों के साथ जितना आए हमारा वही जो जनता से जुड़ाव है उसको हमें आगे ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा जी उसको लेके चलेंगे जिससे लोगों का अपराइजिंग लोगों लोग खुद बोले अपने सरकार को कि हमें जो है भारत के साथ बिल्कुल आगे बढ़ना है किसी भी देश में जनता के मूड को सरकार क्या है पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकती कहीं नहीं कर सकती आप देखिए हर जगह ही हो रहा है जी हम अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे यूक्रेन रशिया की इटली की हालत में ऐसी होगी कि तीन दिन पहले वहाँ जो लोग सड़कों पर आए थे रूस के समर्थन में जी तो आप सोचिए कि जनता का असर किस वजह से और जी। क्या है जी। तो मैं कह रहा हूँ कि हमें हमारा जुड़ाव इतना ज्यादा है जी। इनके साथ तो हमें जनता को लेकर के चलना पड़ेगा और इसके ऊपर हमें थोड़ा ज्यादा काम करने की जरूरत है दोनों तरफ से जी कूटनीतिक तरीकों से आम लोगों को और जो हमारी जो जितने एजेंसीज हैं जो इस काम के लिए बनी है जी जी। उनका भी ये दायित्व तो बनता है कि इसको जो जो है आगे है आगे आगे बढ़ाएं बढ़ाएं बिल्कुल जी सर मेरा थोड़ा जो अगला सवाल है, वो थोड़ा सा वैसे तो विस्तृत है लेकिन मैं संक्षेप में ही जरा उसे चाहूंगा कि आप उस पर दृष्टि डालें साल दो की शुरुआत हो चुकी है राजनीतिक रूप से तो यह साल महत्वपूर्ण है ही मगर रक्षा सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक रूप से किस तरह 2023 भारत के लिए महत्व रखता है और इस साल हमारे समक्ष रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जो अभी हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में भारत ने तो अपना ये बता दिया है कि हम जो है एक महाशक्ति बन के उभरने वाले हैं और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं जी और हमारी दुनिया को हमारी सुननी पड़ेगी अगर जो जिस तरह से हम बताते आए हैं और जिस तरह से हम कह रहे हैं बाकी हर एक फोरम में अपनी चीजें कह रहे हैं जी लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम जो बात कर रहे थे इसके लिए हमें बैकअप भी बहुत जरूरी है रखना अगर हमें कहते हैं और बैकअप किस चीज़ का होगा इकोनॉमिक तो है ही है संसाधन हमारे आर्थिक जो है बहुत जरूरी है और आर्थिक के साथ जो है सैन्य शक्ति की भी जो है अगर सैन्य शक्ति आपके पीछे नहीं रहेगी तो आप आर्थिक रूप से सिर्फ आगे बढ़ के बराबर नहीं रहेंगे क्योंकि कहते हैं ना छीना झपटी वाले पैसे लेके आप जाते हैं तो सिक्योरिटी साथ में लेके जाते हैं बिल्कुल तो आर्थिक रूप से अगर आपको मजबूत होना है तो आपको सुरक्षा भी देखना बहुत ज़रूरी है जी कि बाहरी न हो पाए और मैं सिर्फ बाहरी सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ बाहरी और आंतरिक सुरक्षा जी दोनों सुरक्षा पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है अभी दूसरी चीज़ दुनिया में बहुत चीजें हो रही हैं आप देख लीजिए हम रशाइक्रीन की बात कर रहे हैं एक महाशक्ति और साढ़े तीन मतलब चौथा महीना छठा महीना चलने आ, हो गया है उसका सॉरी साल होने वाला जी, है जी। साल कंटिन्यूड हो रहा है लेकिन च, चल रहे हैं कोई चीज़ ऐसी नहीं हो पा रही कि ना उनको रोक पा रही है ना वो आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट पा रहे हैं तो ये चल रहा है वहाँ नाटो की कंडीशन देख लीजिए मैंने आपको अभी हम लोगों ने बात किया कि वो अपना डिफेंस बजट बढ़ाने जा रहे हैं जिन्होंने वन परसेंट कैप किया था टू परसेंट करने जा रहे हैं उसका भी इफेक्ट पड़ना है जी अमेरिका उसका इंटरफेरेंस उसको लगता है कि ये कोई और हमारे सामने आ गया रूस और चीन तो वो ये चाहता नहीं है एक महाशक्ति बन करके ही रहना चाहता है और उसके लिए वो लोग बहुत कुछ करना चाहेंगे लेकिन इकोनमी उनकी भी प्रॉब्लम है आर्थिक रूप से जी नाटो को तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है दूसरी तरफ दुनिया में आप देखिए मिडिल ईस्ट में भी प्रॉब्लम आ रही ऑयल प्राइसेज जो 125 पहुंची थी अभी 78 अगर आ गई तो उनको भी प्रॉब्लम तो है जी उनको भी फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है जी वो भी ईरान ले लीजिए गुट तो बन गए वहाँ भी ईरान ले लीजिए इजराइल ले लीजिए जो बाकी कंट्रीज हैं इनका टर्की सीरिया ग्रीस का आप देख ही रहे हैं कि किस हिसाब से अजरबैजान और उनका वहाँ चल रहा है जी अफ्रीका एक है जहाँ पर कि बहुत कुछ चल रहा है जो कहीं दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है जी वहाँ भूखमरी से लोग मर रहे हैं फूड सिक्योरिटी नहीं है वहाँ इतने ग्रुप्स हैं जहाँ पर कि आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं जी लेकिन वहाँ भी कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है तो आप देखिए तो पूरा दुनिया में कहीं हर जगह कुछ ना कुछ इनस्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी है जी। और भारत अगर देखा जाए तो कई चुनौतियों में अपने आप को मजबूती से दिखा चुका है जी। और मैं ये कहूं कि चुनौतियों मीन्स में एक इच्छा शक्ति बन गई है दिखा इच्छा शक्ति तभी बनी है जबकि मजबूती है तो हम बोल सकते थे अगर हमारा अगर विदेश मंत्री ये कह सकता है कि यूरोप ये समझता है कि यूरोप की प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की नहीं है जी तो ये बहुत बड़ी बात है उसमें हिंट ये भी दिया था कि जो हमारे साथ चीन ने किया उसके ऊपर किसी ने कुछ नहीं बोला जी और आप भी आज देखिए जी जो कुछ हुआ अभी हुआ चाहे इससे पहले हुआ था कितने देशों ने आकर के बोला कि नहीं चीन गलत है चीन के ऊपर ये एक्शन लीजिए चाहे यूनाइटेड नेशंस में लीजिए या सिक्योरिटी काउंसिल में बात कीजिए जी कहीं कोई बात नहीं हुई बिल्कुल चीन ने बल्कि अमेरिका को बोल रखा है कि हमारे बीच में मत आइए नहीं आता है वो जी। कहां कितना ज्यादा कभी दो चार लाइन उन्होंने बोल दिया एनफ बस मतलब है कि भारत को खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और इतनी मजबूती के साथ कि उन पैर को कोई हिला नहीं पाए जी बल्कि दुनिया एक है कि हमको अगर कहीं से मदद मिल सकती है तो भारत की मिल सकती है और सिर्फ मैं आ, इसकी आर्थिक या शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ वो चाहे टेक्नोलॉजी है चाहे ट्रेंड मैन पावर है जी या आ, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनके बारे में है सस्ते मैं जब इसकी बात करता हूँ तो कंपैरिजन में बाक़ियों से सस्ते आ, हम दे सकते हैं उसकाबिल हैं अभी देखिए आप इसरो से कितनी ज़्यादा सेटेलाइट्स से हम लॉन्च कर रहे हैं बहुत सस्ता जी कितनी ज़्यादा और कितनी हर्डल्स आने के बाद साइंटिस्ट मारे गए कितनी चीज़ें हुई क्या हुआ लेकिन सबको पता है लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी सेना आजकल सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग में और वहाँ पर उनको पसंद किया जा रहा है जी। कि ये सेना जो है अच्छी है उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए तो इन सब चीज़ों को लेकर के चुनौतियां हमारे पास हैं आर्थिक भी सैन्य जो सैन्य शक्ति वाली हैं चुनौतियां है क्योंकि हमें अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और जब हम कैपेबिलिटी की बात करें तो सिर्फ हथियारों की नहीं मैं आपको याद दिलाऊं काफी पहले विंस्टन चर्चिल ने एक बार बोला था 1950 के दशक में उन्होंने कहा था कि फ्यूचर वॉर्स विल नॉट बी फॉट बाई वेपन से लोन सिर्फ हथियार से नहीं लड़े जाएंगे इट विल फॉर्ड बाई जी दिमागी लड़ाई ज्यादा होगी और उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा हर एक चीज़ पर ये दिमागी लड़ाई आर्थिक क्षेत्र में भी होगी सामाजिक में भी होगी और सैन्य शक्ति में भी होगी जी तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा और जो नई चीज़ें आ गई हैं साइबर वॉरफेयर स्पे, स्पेस वॉरफेयर ये जितनी चीज़ें हैं जो और ये जो हमने अभी कहा बैटल ऑफ माइंड्स कि लोगों का दिमाग मोड़ा जा रहा है हम आगे बढ़ रहे हैं हम कई चीज़ों पर आगे जा रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग कुछ लोगों का आ, कुछ और शक्तियां मोड़े जा रही हैं आपस में लड़ाने के लिए ये दिखाने के लिए कि नहीं ये चीज नहीं हो रही है जो आ, आपके लिए नुकसान कर रही है गलत चीजों को या सही चीजों को गलत पेश किया जा रहा है और गलत चीज ही ज्यादा गलत सही। करके दिखाए जा रहे हैं तो इन चीजों की भी एक चुनौती है जो कि हमें सामना करना है इसमें बिल्कुल बिल्कुल सर और निश्चित रूप से चुनौतियां बहुत सारी हैं लेकिन आपने कहा कि हम सभी मिलकर प्रयास करें और जैसा प्रधानमंत्री जी ये भी अपने लाल किले से दिए संबोधन में कह चुके हैं कि सबका प्रयास होगा तो निश्चित रूप से भारत खड़ा होगा और भारत ने पिछले दो चार वर्षों में जो विश्व के कुछ ऐसे रुख देखे हैं जिससे हमको ये समझ में आ गया है और सभी को ये समझ में आ गया है कि हमको अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा और यही वो वक्त है जब हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही आज सर ने चार पांच ऐसे विविध प्रश्नों के जवाब दिए हैं जो कि आपके लिए ज्ञानवर्धक होंगे लाभदायक होंगे आप जरूर इस चर्चा को देखिए और आप अपने कमेंट से हमको जरूर अवगत कराइए ताकि हम इस कार्यक्रम में आपके सवालों को भी ले सकें और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ये जानकर इसमें अगर सुधार जरूरी है तो सुधार भी कर सकें फिलहाल इस रिपोर्ट में ती बाकी देश से नई खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके